कल जो चर्चा करी थी एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी थी पॉप ग्रेगरी की। पॉप ग्रेगरी जिन्होंने एक नया कैलेंडर वैज्ञानिक रूप से शुद्ध करके दिया था, उस कैलेंडर का नाम था ग्रिगेरियन कैलेंडर। क्या नाम था? ग्रिगेरियन कैलेंडर। ये वैज्ञानिक रूप से शुद्ध करने के लिए इन्होंने जो कैलेंडर बनाया था, इस कैलेंडर में एक वर्ष में 365 सही 2422 डेज दिन होते हैं। यहाँ पर इसे पूर्णांक मानते हुए 365 सही 1/4 पढ़ लिया गया और 1/4 को 4 दिन में प्लस करके लीप वर्ष और साधारण वर्ष की संकल्पना रखी थी। यहीं पर जो और ये डिफरेंस आया था 0.25 और 2422, इसको अपन ने आगे देखा था कि लगातार 400 वर्षों में 3 दिन इससे अपन अधिक पढ़ लेते हैं, 3 दिन प्लस हो जाते हैं। तो एक संगोष्ठी में यह निर्धारित किया गया था कि जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, उस शताब्दी वर्ष में से क्या करते हैं, एक दिन जो फरवरी लीप वर्ष होना चाहिए उसे साधारण बना दिया जाता है। जैसे कोई भी सेंचुरी की बात करें कि 1700, 1800, 1900, 2000, ये सभी सेंचुरी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, लेकिन और इन सब में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन ये लगातार जो पहले 3 वर्ष हैं इन तीनों सेंचुरी ईयर में साधारण वर्ष होंगे, लीप वर्ष नहीं होंगे। ये अपन ने कल पढ़ा था। इसके बाद अपन ने बात करी थी ओड आउट की। किसकी बात करी थी? ओड डेज की, विषम दिनों की। विषम दिनों में अपन ने क्या देखा था कि पूरे कैलेंडर के सभी क्वेश्चन किसी न किसी वार से जुड़े होते हैं, कोई न कोई डे पूछता है, और डे निकालने के लिए कल अपन ने समझा था कि हर जैसे 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, ऐसे एक ही वार का बार बार रिपीटेशन होता है, तो कुल दिनों के योग में 7 सप्ताह के 7 दिनों का भाग देने पर जो शेष फल बच जाता है उसे अपन ने क्या कहा था? विषम दिन। विषम दिन अपन ने कहा था, और इसके बारे में अपन ने कल चर्चा करी थी कि इन पर बनने वाले प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहले बात करी थी कि एक वर्ष से संबंधित प्रश्न, जैसे प्रश्न था कि 1 अप्रैल 1987 को सोमवार है, तो 1 अप्रैल 1986 को कौन सा वार होगा? यहाँ पर एक वर्ष अपन पीछे चले गए तो एक दिन कम कर देंगे और आंसर क्या हो जाएगा अपना? सोमवार से एक दिन पीछे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रविवार। यदि यहाँ पर 1 अप्रैल 1988 कर देंगे तो 88 कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। क्या 87 से 1 अप्रैल 1987 से 1 अप्रैल 1988 में आते हैं, तो यहाँ पर फरवरी 29 फरवरी काउंट होती है, तो यहाँ पर आगे बढ़ने पर 2 दिन प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुधवार। यहाँ चर्चा हुई थी। इसके पश्चात अपन ने क्वेश्चन किया था कि कुछ सेंचुरी ईयर में या समान वर्षों के कैलेंडर की, तो अपन ने देखा था कि कोई भी साधारण वर्ष है, जैसे 1963 ये कोई साधारण वर्ष है, और इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष से मैच होगा, तो इसकी कुछ ट्रिक लिखाई थी मैंने, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। इसमें तो सीधा बैठ जाएगा कि यहाँ पर अपन कितना प्लस कर देंगे, प्लस 6 या माइनस 6 करेंगे, तो 6 साल बाद यानी 1969 में इस 1963 का कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। इसी प्रकार बताया था कि यदि कोई लीप वर्ष है या सेंचुरी ईयर है, जैसे 1924 का कैलेंडर कब मैच होगा, तो यहाँ पर कितना प्लस माइनस करना है, तो बताया था 28 प्लस माइनस करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक की चर्चा कर ली थी। और इसके बाद अपन ने देखा था कि किसी भी सेंचुरी का प्रथम दिन कौन सा होता है और अंतिम दिन कौन सा होता है। सोमवार किसी भी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे हो सकता है या लास्ट डे हो सकता है। सोमवार के बाद कौन सा आता है? मंगलवार। तो मंगलवार क्या होगा? केवल फर्स्ट डे होगा। बुधवार क्या होगा? लास्ट होगा। गुरुवार क्या होगा? केवल फर्स्ट। शुक्रवार क्या होगा? लास्ट। शनिवार क्या होगा? फर्स्ट। और रविवार क्या होगा? फर्स्ट। मन में यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि फर्स्ट डे लास्ट डे है क्या, तो किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होता है, कभी भी प्रश्न आ जाए। तो शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, शताब्दी का लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आज से नया, शताब्दी का प्रथम दिन होगा, शताब्दी का प्रथम दिन होगा ए ऑप्शन 1 जनवरी 1999, बी ऑप्शन
1 जनवरी 2000, सी ऑप्शन 1 जनवरी 1901, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहां शताब्दी के प्रथम दिन की बात करी है, तो क्या होना चाहिए शताब्दी का प्रथम दिन? 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 1901, यही चीज बतानी थी। और 99% गलत करते हैं इसको। शताब्दी का प्रथम, वर्ष का प्रथम नहीं पूछा, किसी वर्ष का प्रथम दिन नहीं पूछा। वर्ष का पूछा होता तो जैसे जिस वर्ष में अपन चल रहे हैं, 2019 में चल रहे हैं, तो इसका प्रथम दिन होगा 1 जनवरी 2019 और इसका अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर 2019। यदि इस सेंचुरी की 21वीं सदी जो चल रही है, 21वीं सदी का प्रथम दिन पूछेगा, तो 21वीं सदी का प्रथम दिन होगा 1 जनवरी 2001 और 21वीं सदी का अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर 2100। पूरे सेंचुरी का प्रथम दिन, 100 सालों का प्रथम दिन और 100 सालों का अंतिम दिन। तो ये 100 सालों के प्रथम दिन की बात कर रहे हैं। तो जो 2000 इनमें से कौन सा सेंचुरी का प्रथम दिन है? तो ये सेंचुरी का प्रथम दिन है, जो 20वीं सेंचुरी थी उसका प्रथम दिन था 1901 से, और अंतिम दिन क्या होगा इसका? 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000। तो शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1901। अंतिम दिन की बात करें तो हो जाएगा 31 दिसंबर 2000। कल अपन ने चर्चा करी थी समान कैलेंडर की। समान कैलेंडर पर प्रश्न दो प्रकृति के आते हैं। पहला सीधा सीधा क्वेश्चन कहेगा कि वर्ष 1963 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तब अपन ने देखा था कि प्रश्न में यदि कोई साधारण वर्ष है तो उत्तर के लिए वो वर्ष भी क्या होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। यदि प्रश्न में कोई लीप वर्ष है तो उत्तर में भी क्या होना चाहिए? लीप वर्ष। अब यदि क्वेश्चन की टर्म चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, तब क्या स्थिति बनेगी उसको समझते हैं। अब इसी क्वेश्चन को 1963 को मैं पर्टिकुलर किसी डेट से दे देता हूं, पर्टिकुलर किसी डे से दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने 11 मार्च 1962 को सोमवार हो तो अगले किस निकटतम वर्ष की 11 मार्च को सोमवार होगा? समझिए क्वेश्चन, बात वही है, 11 मार्च को सोमवार है तो कैलेंडर, जब 11 मार्च कौन से किसी ऐसा वर्ष होगा जिसमें 11 मार्च को सोमवार आ रहा, तो कैलेंडर मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा ना। जैसे 11 मार्च 62 में सोमवार है तो हो सकता हो 63 में आ जाए, 64 में आ जाए, 65 में आ जाए, किसी वर्ष में आएगा, 11 मार्च को आएगा, तो कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहां पर स्पेसिफिक किसी दिन की बात करी है, कोई एक डेट की बात करी है। पहले पिछले क्वेश्चनों में केवल वर्ष की बात हो रही थी, तो वर्ष में साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष मिलना आवश्यक था, लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष होना आवश्यक था। यहां केवल डेट को देखना है, चाहे वो लीप वर्ष के किसी भी लीप वर्ष में भी 11 मार्च को सोमवार आ रहा है तो सही हो गया। केवल इसने क्या बात पूछी है कि 11 मार्च 1962 को सोमवार है तो अगले किस निकटतम वर्ष की 11 मार्च को सोमवार होगा, उससे मतलब नहीं कैलेंडर सेम है कि नहीं है। वो लीप वर्ष हो और उसमें भी 11 मार्च को सोमवार आ रहा, तो इसने केवल इतना सा पूछा कि कौन से निकटतम वर्ष की 11 मार्च को सोमवार है। भाई रिपीट, हर अपन ने क्या पढ़ा था कि जब उनका योग 7 हो जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट कई बार होगा, तो निकटतम वर्ष पूछा है तो कैसे निकालेंगे? 1962 से साधारण वर्ष है, 1962 साधारण वर्ष है, 1962 से 1963 में आएंगे तो कितना प्लस कर देंगे? 63 से अपन 64 में आएंगे। देखिए 11 मार्च 62 से बात कर रहा हूं, 11 मार्च 63 तक, एक
मार्च 63 से 11 मार्च 64 में यहाँ पर ये लीप वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? लीप वर्ष। और यहाँ 11 मार्च आ गया यानी फरवरी पढ़ लिया है, तो यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा? दो। 65 64 से 11 65 11 मार्च 65 तक पढ़ेंगे तो कितना प्लस करेंगे? एक। इनकी टोटल कितनी होनी चाहिए? सात। कितनी होनी चाहिए? सात। आगे 65 से अपन 66 में आएंगे तो यहाँ पर एक प्लस कर देंगे। 66 से अपन 67 में आएंगे तो कितना प्लस कर देंगे? एक प्लस। कितने हो गए? छः। अब देखिए 11 मार्च 67 से 11 मार्च 68 में आए तो 68 कौन सा हो गया? लीप वर्ष। कितने प्लस हो जाएंगे? दो। तो यहाँ पर प्लस टू कर देंगे तो सात नहीं आया, सीधा कितना आ गया? आठ। तो अपने को कहाँ चलना पड़ेगा? 14 के लिए। सात पर नहीं रुके तो फिर 14 21। ऐसे तो होना क्या चाहिए था? कल के नियम से देखें तो साधारण वर्ष है तो 62 में 6 जोड़े 68 आना चाहिए था, नहीं आया ना, क्योंकि पर्टिकुलर डेट की। इसलिए उन नियमों पर बिल्कुल बंधना मत, वो ट्रिक परफेक्ट नहीं है, मैंने कल भी बताया था। अब 68 से अपन आगे बढ़ेंगे तो 69 पर आएंगे तो कितना प्लस हो जाएगा? प्लस एक। 70 पर प्लस एक। 71 पर और 72 पर दो। अब कितने हो गए? एक दो, एक दो तीन पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, और एक और प्लस कर देंगे तो 73 पर एक हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो निकटतम पूछा है तो 73 के बाद और भी उत्तर आएगा, लेकिन निकटतम पूछा है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा कि 11 मार्च 1973 को सोमवार होगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा 11 हो गया। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, पिछली बार 2017 के एसएससी पेपर में आया हुआ है। वो क्या था उस क्वेश्चन को समझते हैं, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने एडिट किया है। क्वेश्चन है मनोज 1908 को वह कितने जन्मदिवस मनाएगा? ए ऑप्शन 10, 9, 8, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझना, उसका जन्म किसी विशेष दिन को है, लीप वर्ष की 29 फरवरी को है, हर साल जन्म नहीं होगा, हर चार साल बाद होगा। 1988 एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद अगला जन्म बनाएगा 92 को, 92 के बाद अगला बनाएगा 96 को, अगला बनाएगा 00। नहीं, यही गड़बड़ कर देंगे, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। कल ही मैंने बताया था कि 1900 साधारण वर्ष होता है, सेंचुरी ईयर है, ये लीप वर्ष नहीं है, बताया था कल मैंने। क्या बताया था? इसीलिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, और यही गलती होगी यहाँ पर, इसको भी अपन काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1900 में उसका जन्मदिन नहीं मनेगा, 8 साल बाद मनेगा, 1896 से सीधा 1904 को मनेगा, 1904 को, और 1904 से 1908 को। तो कितने जन्मदिन मनाया? पहला जन्मदिन यहाँ मनाएगा, दूसरा यहाँ मनाएगा, तीसरा यहाँ मनाएगा और चौथा यहाँ मनाएगा। कुल कितनी बार मनाएगा? चार बार। कितनी बार मनाएगा? चार। और आपका ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका सीधा ऑप्शन यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा 5, दूसरा ऑप्शन होगा 4, तीसरा ऑप्शन होगा 8 या कुछ भी, और बहुत कॉमन क्या करेंगे अपन 5 पे टिक कर देंगे। क्या समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा जिसमें यहाँ पर दिखने में लीप वर्ष दिखाई देगा लेकिन वास्तव में होगा कौन सा? साधारण वर्ष होगा। ठीक है, चलिए उत्तर कर लीजिए 5। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन उन्होंने साधारण पूछा था, यहाँ पर 1988 कर दिया था। क्या कर दिया था? 1988। अब एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, यदि यहाँ 1988 हो और यहाँ 1908 हो, 1908 क्या 2008 हो, तब उत्तर कितना आएगा? तब 5 आएगा, क्योंकि 2000 कौन सा ईयर आ रहा है? लीप सेंचुरी ईयर, और वहां पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा, 29 फरवरी आएगी। ठीक है, नोट डाउन। ये थे शताब्दी वाले प्रश्न और किसी वर्ष से संबंधित प्रश्न थे। अब बात करते हैं महीनों से संबंधित प्रश्न, किसी माह से संबंधित प्रश्न।
नहीं उस दिन मनाएगा नहीं, बर्थडे मनाएगा नहीं, बर्थडे मनाते हैं अपन 1 साल। वैसे तो आजकल खूब मनाने लग गए। मेरा बेटा हुआ था तो बेटा घर आया था तब भी बर्थडे मना दिया, 1 महीने बाद भी मना दिया, फिर बोले कि दूसरे महीने ही मना लो। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे महा से संबंधित प्रश्न। महा से संबंधित प्रश्न, महा से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। साधारण से प्रश्न आरंभ करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। 11 फरवरी 1913 को बुधवार है तो 27 अक्टूबर 1913 को कौन सा वार होगा। यहां पर ईयर क्वेश्चन में सेम है, और क्या चेंज है, फरवरी से अक्टूबर महीना चेंज है, डेट भी चेंज है। दोनों स्थितियां हैं, डेट समान हो या चेंज हो एक ही तरीके से आंसर निकलेगा। यहां पर अपन बात करेंगे विषम दिनों की। किनकी बात करेंगे, विषम दिनों की। इस प्रश्न को हल करने के कई तरीके हैं। सिंपल सा एक तरीका यह है कि 11 फरवरी 1913 और 27 अक्टूबर 1913, ठीक है, ये तो समान है, यहां पर तो कोई चर्चा करनी नहीं है। यहां पर चर्चा करनी 11 फरवरी से 11 अक्टूबर तक की और उसके बाद की, या फिर आप ये डिसाइड कर लो कि आप किसी भी पर्टिकुलर महीने के ओड डेज ले लो, महीने के विषम दिन ले लो। विषम दिन कैसे समझते हैं, विषम दिन यानी किसी महीने में कुल यदि 28 दिन हैं तो उस महीने में विषम दिन कितने होंगे, 0, 7 का भाग दिया तो। यदि वो लीप वर्ष है और 29 दिन हैं, 7 का भाग दिया तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1। किसी माह में कुल 30 दिवस है, 30 दिन हैं तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2। 7 का भाग 30 में दिया, 4 बार 28 और 2 बच गए। 7 का भाग 29 में दिया, 28 और 1 बच गया। और यदि 31 है तो कितना हो जाएगा, 3। तो विषम दिन समझ में आ गए कि जिस महीने में 31 दिन है उस महीने में विषम दिन कितने होंगे, 3। यदि 30 दिन है तो 2, यदि कोई लीप वर्ष है फरवरी 29 दिन की है तो 1, और साधारण फरवरी में कोई विषम दिन नहीं होता। यहाँ पर पूरे फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां प्रश्न में पूरे फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, इस प्रश्न में केवल 11 फरवरी से आगे। तो 11 फरवरी से 28 फरवरी तक कितने दिन हो गए, यदि 11 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक की बात करें तो 28 में से 11 को माइनस कर दूं कितने रह जाएंगे, 17 दिन। कितने दिन हो जाएंगे, 17 दिन। फरवरी के बाद मार्च की बात करूं, फरवरी के बाद मार्च की बात करें तो मार्च में कुल कितने दिन होते हैं, 31। 31 के विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई। मार्च के बाद अप्रैल की बात करो तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, विषम दिन कितने हो गए। अप्रैल के बाद मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, अगस्त में 3 आएंगे, ठीक है, सितंबर में, अक्टूबर में 27 दिन। अक्टूबर में कितने आएंगे, 27। अक्टूबर 27 तक ही पढ़ना है ना अपने को, इसलिए अपन रुक गए, अक्टूबर के 27 लिख लेंगे। अब आप सिंपल सा या तो सभी को टोटल कर लो और 7 का भाग दे दो, या फिर सिंपल सा 27 और 2 कितने हो गए, 29। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, 29 का मतलब 27 और 2 कितने हो गए, 29। 29 को या तो सारा कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट नहीं करो तो आप क्या करो, विषम दिन निकालते जाओ। जैसे मैं सीधा करता हूँ, 27 और 2 29, 29 के विषम दिन कितने हो गए, 1। कैसे हो गया, 29 में 7 का भाग दिया अपन ने, 28 और 1 बच गया, 1 और 3 4 और 3 7 का मतलब 0। 7 का विषम दिन कितना हो गया, 7 से 0 हो गया, वापस 2 और 3 5 और 2 7 का मतलब फिर क्या हो गया, 0। 3 और 17 20, 3 और 17 20, 20 का मतलब विषम दिन कितने हो गए, 6 दिन। कितने दिन हो गए, 6 दिन। अब ये 6 दिन विषम दिन इनका टोटल कर लो, टोटल करके 7 का भाग दे दो। देखिए तो 20 किया ना,
20 में अपन 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14, बचे कितने दिन? जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वही अपना ओड डे से है ना, तो कितने हो गए? 6 दिन। यदि ये समझ में नहीं आए तो 17 3 20 2 22 25 25 30 30 और 3 33 35 35 और अपन 27 को टोटल करते हैं तो 62/7 कितने दिन शेष हो जाएंगे? शेषफल हो जाएगा 6 दिन। अब 6 दिन को क्या करना है? फरवरी से अक्टूबर की तरफ प्लस करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस, और फरवरी से पिछले साल में जा रहे होते हैं बेक होता तो क्या कर देते? माइनस। तो फरवरी को क्या है? बुधवार। बुधवार में 6 दिन प्लस कर देंगे, 6 दिन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। उतार लीजिए तो और समझो, ये उतार लिया तो दूसरी ट्रिक से समझो। यहां पर कुल कितने दिन है? 27, ठीक है। फरवरी की जब भी स्थिति आती है ना, तब तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, ज्यादा इजी रहता है, गलत नहीं होता, ठीक है ना। फरवरी की जगह पे क्वेश्चन चेंज हो जाए तो और साधारण तरीके से कैसे करते हैं, एक अगले क्वेश्चन से ले लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 22 मार्च 1967 को शनिवार हो तो, 22 मार्च 1967 को शनिवार है, यानी सॉरी ईयर भी चेंज कर दिया, ईयर है यहाँ पे भी 67, वर्ष समान है 1967, ठीक है। तो यहाँ डेट हो जाएगी पहली 22 मार्च 1967, नीचे हो जाएगा 15 सितंबर 1967। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 22 मार्च महीने में कितने दिन बच गए अभी? 22 के बाद काउंट करोगे तो 31 होते हैं, तो 31 में से किए तो मार्च में 9, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर के 15, ठीक है। 9 और 2 कितने हो गए? 11, 11 और 3 14 का 0, 0 और 2 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 का 1, 1 और 15 16, 16 का मतलब 2 दिन विषम दिन आ गए, ठीक है। 2 दिन कितने आ गए? विषम दिन आ गए। अब यहां पर इसमें से सीधा इसको घटा लो, 15 में से 22 घटता है क्या? नहीं घटता, तो 30 अपन क्या कर लेते हैं, उधार लेते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, 30 और 15 कितने हो गए? 45, 45 में से 22 माइनस कर दो कितने हो गए? 45 हो गए, 45 में से 22 माइनस कर दो कितने हो जाएंगे? 23, 23 का मतलब कितने और दिन हो गए? 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 3 7 का 0, 2 और 3 5 और 3 8, 8 का 1, 8 का कितना आ गया? 1। लेकिन यहां पर जो मार्च महीना है वो कितने दिनों का था? 31 का, अपन ने 30 काउंट किया था, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी वो रहती है कि काउंट करने में, कि महीना 31 का तो 31 उधार लेने होते हैं, 30 का है तो 30 उधार लेने होते हैं, और फिर कैलकुलेशन होती है। ये इस तरीके से भी कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए उत्तर कितना हो जाएगा? 2 दिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार। इस महीने पर और अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं उस पर बात करते हैं। नवंबर, फरवरी, इनमें से अपने को ओड आउट करना है। और वैसे सीधा ये लिखेगा, कभी कभी कोष्टक में ये भी दे दे कि साधारण वर्ष, तो ये प्रश्न किस टाइप का है, इसको कैसे हल करते हैं उसको समझते हैं। ये प्रश्न है जैसे पिछले क्वेश्चन में किसी वर्ष के समान कैलेंडर का अगले किसी वर्ष के समान कैलेंडर को मैच किया था, किया था। यहां पर वर्ष की बात नहीं, एक ही वर्ष में किसी निश्चित माह का अगले किसी निश्चित माह के इस कैलेंडर को मैच करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यानी अपन क्या पढ़ेंगे कि किसी एक वर्ष में, साधारण और लीप वर्ष में, किस महीने का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। जैसे कोई महीना है उसकी 15 जनवरी को शनिवार है,
तो अगले महीनों में फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कौन सा ऐसा महीना होगा उसकी 15 तारीख को वही शनिवार आएगा। क्या समझ गए? निश्चित है और वो आएगा, चाहे आप कैलेंडर उठा के चेक कर लीजिएगा कि वो समान कैलेंडर महीनों का बिल्कुल मैच होगा। क्या मैच होगा? जैसे 12 सितंबर को गुरुवार है। कौन सा वार है? गुरुवार है। तो किसी भी कैलेंडर का कोई सा भी डे उठा के देख लेना, 12 दिसंबर को भी गुरुवार ही होगा। 12 दिसंबर को कौन सा वार होगा? गुरुवार, निश्चित है। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि हुआ कैसे, और दूसरा है तो इसका मतलब कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान है। दोनों चीज़ों को देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर उसको सोल्व करते हैं, फिर आंसर पर आएंगे। तो कैलेंडर समान की बात करते हैं, तो कैलेंडर समान में अपन पढ़ते हैं कुल 12 महीनों को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये 12 ही महीने हैं। इन 12 ही महीनों में इनका कोड आप याद रखें तो 1440250361416। पहले तो ये कोड क्या है जो मैं समझा देता हूँ, इनको आपको याद करना है, और याद कैसे करना है इस सीरियल से, 144 025 036 और 146, ये 12 ही महीनों के कोड है जो आगे कई प्रश्नों में काम आएंगे, डेट निकालने में भी काम आएंगे। ठीक है, क्या कोड है उसको समझे। तो कोड ये है कि जनवरी का एक है, जनवरी का कोड एक है, यही कोड वापस एक कहाँ मिल रहा है, अक्टूबर का एक आ रहा है। इसका मतलब जनवरी महीने का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर से समान है? अक्टूबर से। यहाँ पर फरवरी में कितना आ रहा है? 4, तो फरवरी का कैलेंडर किससे मिलेगा? मार्च से। और किससे मिलेगा? नवंबर से। अप्रैल में 0 आ रहा है और जुलाई में 0 आ रहा है, तो जुलाई का कैलेंडर किससे मिलेगा? जुलाई से। मई का 2 है और 2 कहीं नहीं है, इसका मतलब मई महीने का कैलेंडर किसी महीने से मैच नहीं होता। अगस्त का 3 है, ये कहीं मैच नहीं हो रहा, तो अगस्त का कैलेंडर कहीं मैच नहीं होता। जून का 5 है, 5 और कहीं नहीं है, तो जून का कैलेंडर कहीं मैच नहीं होता। सितंबर का 6 है और दिसंबर का 6 है, तो इन दोनों का कैलेंडर मैच होता है। मैच का मतलब क्या है? यदि 1 सितंबर को सोमवार है तो 1 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार। 12 सितंबर को गुरुवार है तो 12 सितंबर को भी क्या होगा? दिसंबर को भी क्या होगा? गुरुवार। तो क्या समझ में आ गया? समान कैलेंडर। समान कैलेंडर को अपन कैसे पढ़ेंगे? ये कोड को स्क्वेयर से याद कर लेंगे। अपने को पता है स्क्वेयर को कि भी 12 का स्क्वेयर क्या, तो 144 025 036 और 146। ये जो कोड लिखा है ये कोड है आपके साधारण वर्ष के। कौन से वर्ष के? साधारण वर्ष। लीप वर्ष के कोड नहीं है, ये कोड किसके हैं? साधारण वर्ष। और इसीलिए पिछले क्वेश्चन में मैंने यहां पर क्या टर्म लिख दी थी? साधारण वर्ष। ठीक है, ये नोट हो गया आपसे, कर लो नोट कर लो। ये 4 4 2 ये कोड है एक तरह से, इनको नहीं, निश्चित है यही रहेंगे, और ये किसी डिफरेंस से क्रिएट किए गए हैं। ये आगे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कि पर्टिकुलर कोई डेट दे दी कि जैसे 11 जुलाई 1971 को कौन सा वार होगा, उसको निकालने के लिए भी यही कोड काम आएंगे अपने। ठीक है ना, इस प्रकार से ये कोड समान कैलेंडर के हैं। पीछे आइए, अब देखिए इसमें क्या मैच हो रहा है। जनवरी फरवरी, जनवरी का मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ, आपको भी याद नहीं है, तो जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, सितंबर का 6 है, सितंबर का 6 है, नवंबर का 4 है और फरवरी का 4 है। तो कौन सा आंसर गलत हो गया? ए, इनका कैलेंडर मैच हो रहा, दोनों का कोड 4 4 है, इनका कैलेंडर 6 6 है और इनका कोड 4 4 है, तो ये अपना आंसर हो गया। इसमें से क्या आउट हो गया? ए आउट हो गया। और इस पर कोई ट्रिक नहीं करता, क्योंकि जनवरी फरवरी ऐसा ऑप्शन है कि हाँ ये तो है ही, क्योंकि यहाँ जनवरी फरवरी, यहाँ मार्च अप्रैल आ गया, हो सकता सितंबर दिसंबर भी आ जाए, लेकिन ये नवंबर फरवरी का नहीं बैठ रहा है, यही आके अपन करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके। चलिए, अब आंसर हो गया होगा। यहाँ पर, यहाँ जब मैंने साधारण वर्ष के ये कोड लिखा है, तो कहीं ना कहीं लीप वर्ष के कोड अलग होंगे,
और लीप वर्ष के कोई चेंज नहीं है कोड में, केवल लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है तो जनवरी और फरवरी में थोड़ा अंतर हो जाता है। लीप वर्ष के बाकी सारे कोड समान होंगे, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड में से माइनस वन कर देते हैं, एक एक कम कर देते हैं। तो जनवरी का कोड लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, ये तो साधारण वर्ष के थे और लीप वर्ष में इसके कोड हो जाएंगे, लीप वर्ष में इसका कोड हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा, एक में से कम किया तो जीरो, और चार में से कम किया तो कितना हो जाएगा तीन। इसका कोड चार ही रहेगा, इसका जीरो, इसका दो, ये कोड कोई चेंज नहीं होगा, केवल जनवरी और फरवरी के महीने में से एक एक क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। ठीक है, तो अब बताइए किसी लीप वर्ष में फरवरी का मैच किससे होगा, मार्च से होगा क्या, नहीं, किससे होगा, अगस्त से। किससे होगा, अगस्त से। ठीक है, और जनवरी का किससे होगा, अप्रैल और जुलाई से। ठीक है, नहीं समझे, लीप वर्ष होगा तो जीरो मैच होगा अप्रैल और जुलाई से, फरवरी मैच होगा तीन अगस्त से मैच होगा। ठीक है, और मार्च नवंबर से मैच होगा, बाकी की प्रक्रिया रहेगी। याद करने के लिए यही कोड है, 144 को 144 लिखा, 025 को 025 लिखा, 036 को 036 लिख दिया, 146 को 146 लिख दिया। नहीं, ये अपने को याद करना, क्वेश्चन इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर क्वेश्चन समान कैलेंडर है या नहीं उस पर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या इसमें बनता है, क्वेश्चन सुन, नहीं, क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिए। क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि निम्न में से कितने ऐसे महीने हैं जिनके कैलेंडर किसी अन्य माह के कैलेंडर के समान नहीं होता है। देखिए, साधारण वर्ष की बात करें तो जनवरी का मैच हो रहा है किसी अक्टूबर से मैच हो रहा है, फरवरी का मैच हो रहा है, मार्च का मैच हो रहा है, अप्रैल का मैच हो रहा है, मई का किसी से मैच नहीं हो रहा, जून का किसी से मैच नहीं हो रहा, अगस्त का किसी से मैच नहीं हो रहा। साधारण वर्ष में से कितने महीने हैं, तीन महीने, जिनका कैलेंडर किसी अन्य माह के कैलेंडर से मैच नहीं होता, समान नहीं होता। यदि लीप वर्ष की बात करें तो जीरो मैच हो रहा है, जीरो मैच हो रहा है, तीन किससे मैच हो रहा है, अगस्त से मैच हो रहा है, जहाँ पे चार मैच हो रहा है, जीरो मैच हो रहा है, मई हो रहा है क्या, जून हो रहा है, जुलाई हो रहा है, नहीं, अभी आगे देखते जाओ, जुलाई हो रहा है, नहीं। अब देखिए अक्टूबर यहाँ अकेला एक है, पहले अक्टूबर किससे मैच हो रहा था, जनवरी से, अब जनवरी का कोड जीरो हो गया तो क्या अक्टूबर का मैच हो रहा है, तो पहले ये तीनों थे, अब ये नहीं रहा, अब एक दो और तीन हो गए, तो दोनों स्थितियों में चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, तीन महीनों के कैलेंडर कभी अन्य महीनों के कैलेंडर से मैच नहीं होते। आगे समझ में, नाम नहीं पूछेगा, नाम पूछे तो बड़ा सिंपल है, दो पांच और यहां पर कोड तीन था, लीप वर्ष में दो पांच तो है और अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, नाम कभी नहीं पूछा, नहीं पूछेगा, फिर भी नोट कर लो यहां पे कि समान कैलेंडर की स्थिति में, समान कैलेंडर की स्थिति में लीप तथा साधारण वर्ष होने पर तीन महीनों का कैलेंडर अन्य महीनों के समान नहीं होता है, अन्य महीनों के समान नहीं होता है। अब देखते हैं कि किसी दिनों से संबंधित प्रश्नों में, यहां पर ने वर्ष में, वर्ष और माह तो मैच होगा लेकिन डेट मैच नहीं होगी। ठीक है, जैसे साधारण सा प्रश्न लिखे तो 12 मार्च 1911 को बुधवार है तो 29 मार्च 1911 को कौन सा वार होगा,
मार्च मार्च दोनों में है, 12 मार्च 1911 और 29 मार्च 1911। सिंपल सा है, दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, कितना ओड डे जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 12 का डिफरेंस नहीं निकालो तो 12 में आप 12 तारीख में से 7 जोड़ रहे हो, तो कितनी तारीख आ रही, 19। 19 को कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। 19 में आपने वापस मौखिक 7 जोड़ दिए, कितने हो गए, 26। 26 को कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। 26 को कौन सा वार होगा, बुधवार। 27 को गुरुवार। 28 को शुक्रवार। 29 को शनिवार। ठीक है, तो 29 को कितना हो गया, शनिवार। डिफरेंस निकालो, 29 और 12 का डिफरेंस निकालो, 29 माइनस 12 करो कितने हो गए, 17। 17 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया, विषम दिन कितना आ गए, 3। 3 दिन प्लस करने की माइनस करने, प्लस करने, क्योंकि अपन 12 से 29 की तरफ बढ़ रहे हैं तो जोड़ने हैं, तो 3 दिन अपन इसमें सीधा जोड़ देंगे, गुरु शुक्र शनि। समझ में आ गया, दोनों तरीकों से समझ में आ गया। बेक होना है तो माइनस कर देंगे, आगे बढ़ना है तो प्लस कर देंगे। पहला तरीका क्या था, जो डेट है उसमें 7-7 जोड़ते जाओ, 12 और 7 19, 19 और 7 26, दूसरी डेट के अप्रोक्सीमेट पास में। अब 26 को भी कौन सा वार होगा, बुधवार, तो 27 को गुरु, 28 को शुक्र, 29 को शनि। नहीं तो सीधा डिफरेंस निकालो, 29 माइनस 12, डिफरेंस से सीधा आंसर आ जाएगा 17। 17 में 7 से डिवाइड किया, 3 3 तो प्लस कर, 7 7। क्यों 7 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद वार वापस रिपीट हो रहा है। 1 तारीख को जो है वो 8 तारीख को आ रहा, तो 7 1 में 7 जोड़े तो 8 बन गया, 8 में 7 जोड़े तो 15, तो 15 को रिपीट होगा, इसलिए अपन 7 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, यहां पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की लैंग्वेज जब थोड़ी सी चेंज हो जाए तो क्या आंसर रहेगा। बुधवार है तो 5 तारीख को, बुधवार है तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा, सिंपल सा निकाल लो क्या हो जाएगा भाई, 27 माइनस 5 कितने हो गए, 22/7, विषम दिन कितने आ गए, 1 दिन, क्या उत्तर आ जाएगा, गुरुवार। अब यहां पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, वो डेट निकालना, अभी तो क्वेश्चन इसके बहुत टाइप बाकी है। इसमें क्वेश्चन और आते हैं कि आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार था तो बीते कल के 4 दिन पहले क्या होगा, आते हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार था तो उस माह में अधिकतम कितने गुरुवार हो सकते हैं, दूसरी इसके बाद की टाइप का। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि 22 फरवरी 1945 को कौन सा वार था, क्वेश्चन आ जाता है कि 22 फरवरी 1945 को शनिवार था तो 29 मार्च 1998 को कौन सा वार था, दो अलग अलग डेट का क्वेश्चन। इसके बाद एक टाइप वो पढ़ेंगे कि मेरा जन्म इतनी तारीख को, मेरा जन्म इस वार को हुआ, मेरा छोटा भाई मेरे से इतने दिन छोटा है और मेरी बड़ी सिस्टर मेरे से इतने दिन बड़ी है, तो मेरे छोटे सिस्टर का जन्म किस वार को हुआ है, बड़ी सिस्टर को किस वार को हुआ। और एक क्वेश्चन हो जाता है कि कोई विशेष प्रोग्राम किसी पीरियड के बीच में, कि 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में हुआ, कोई कहता है कि इतनी से इतनी तारीख के बीच में हुआ, तो इस प्रकार के 5-6 क्वेश्चन टाइप के और हैं जो अगली क्लास में अपन करेंगे, कैलेंडर पूरा हो जाएगा। ठीक है।